Student, this one book of Madhu Hindi Patyapustak Classic. Student, today we start our lesson number 6, chapter name Anmol Bhed. Write upper side half yearly and today one date and day. So let us start. प्रस्तुत कहानी में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक निर्दोष सेवक की मानसिक व्यथा को मर्मता से अभिव्यक्त किया है. तो इस कहानी में गुरुदेव जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने एक निर्दोष सेवक जो कि जिसका कोई भी दोष नहीं था उसकी मानसिक स्थिति ठीक ना होने के बारे में सारा कुछ इसमें बताया है. राय चरण 12 वर्ष की आयु से अपने मालिक का बच्चा खिलाने के लिए नौकर हुआ था. इसके पश्चात काफ़ी समय बीत गया. बच्चा राय चरण की गोद से निकल स्कूल में प्रविष्ट हुआ, स्कूल से कॉलेज पहुंचा, फिर एक सरकारी नौकरी पर लग गया. किंतु राय चरण अब भी बच्चा खिलाता था. वह बच्चा उसके गोद में पाले हुए अनुकूल बाबू का पुत्र था. राय चरण नाम का एक आदमी था जो 12 वर्ष की आयु से ही अपने मालिक के यहाँ बच्चे को खिलाने का काम करता था, मतलब उनका नौकर होता था जो बच्चा संभालता था. उसके बाद काफ़ी समय बीत गया था. जो बच्चा राय चरण की गोद में खेलता था वो अब बड़ा होकर स्कूल में गया, स्कूल से कॉलेज गया, फिर वहाँ उसको सरकारी नौकरी मिल गई. इस प्रकार जो राय चरण अब भी बच्चा खिलाता था, मतलब जो बच्चा वो छोटे अपने मालिक का बच्चा खिलाता था वो बड़ा हो गया था, उसको सरकारी नौकरी मिल गई थी, लेकिन जो रायचरण था वो अब भी बच्चा खिलाता था. और वो बच्चा कौन था? वो बच्चा उसकी गोद में जो पहले वाला बच्चा खेला हुआ था जिसका नाम था अनुकूल बाबू का क्या था? वो पुत्र था. बच्चा घुटनों के बल चलकर बाहर निकल जाता था. जब रायचरण दौड़कर उसे पकड़ता तो वह रोकता और नन्हे नन्हे हाथों से रायचरण को मारता. रायचरण हंसकर कहता, हमारा भैया भी बड़ा होकर जज साहेब बनेगा. जब यह रायचरण को चन्ना कहकर पुकारता तो उसका हृदय बहुत हर्षित होता. वह दोनों हाथ जमीन पर टेक कर घोड़ा बनता और बच्चा उसकी पीठ पर सवार हो जाता. तो जो बच्चा था वो घुटनों के बल चलकर बाहर निकल जाता था तो रायचरण उसके पीछे दौड़ता, उसे पकड़ता और वो रोता. और ये जो रायचरण था उस नन्हे नन्हे हाथों से वो रायचरण को मारता था. रायचरण हंस के कहता था कि ये जो हमारा भैया है बड़ा होके क्या बनेगा? जज साहब बनेगा. जब वह रायचरण को क्या कहता था? चन्ना कहकर वो बुकालता था तो रायचरण का दिल बहुत ही खुश हो जाता था. वह दोनों हाथ जमीन पर रख के घोड़े की भांति बन जाता था, घोड़ा बन जाता था. और जो ये बच्चा ऐसे इन दिस पिक्चर की ये बच्चा रायचरण के ऊपर उसकी पीठ के ऊपर बैठ कर सवार हो जाता था. इन्हीं दिनों अनुकूल बाबू की बदली पद्मा नदी के किनारे एक जिले में हो गई. नए स्थान की ओर जाते हुए उन्होंने कोलकाता से अपने बच्चे के लिए मूल्यवान आभूषण और कपड़ों के अतिरिक्त छोटी सुंदर सी गाड़ी भी खरीदी. तो इन्हीं दिनों ही जो अनुकूल बाबू थे इस बच्चे के पिता, उनकी बदली पद्मा नदी के किनारे एक जिले में हो गई थी. और जब वो नई जगह पर गए तो उन्होंने कोलकाता से क्या खरीदा अपने बच्चे के लिए? कीमती जेवर, गहने, कपड़े और इसके अलावा उन्होंने उसके लिए सुंदर सी गाड़ी भी खरीदी. वर्षा ऋतु थी, कई दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी. ईश्वर ईश्वर करते हुए बादल छटे. संध्या का समय था. बच्चे ने बाहर जाने का आग्रह मतलब निवेदन किया. रायचरण उसे गाड़ी में बिठाकर बाहर ले गया. खेतों में खूब पानी भरा था. बच्चे ने फूलों का गुच्छा देखकर जिद की. रायचरण ने उसे बहलाना चाहा किंतु वह ना माना. विवश रायचरण बच्चे का मन रखने के लिए घुटनों तक पानी में उतर गया और फूल तोड़ने लगा. कई स्थानों पर उसके पांव कीचड़ में बुरी तरह धंस गए. तो बारिश की जो मौसम था बारिश का, तो कई दिनों से बड़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी. तो भगवान भगवान करते हुए वो बारिश बंद हो गई, बादल कम हो गए. तो संध्या का समय था तो बच्चा बाहर जाने का निवेदन करने लगा रायचरण से. तो रायचरण ने उसको गाड़ी में बिठाया और बाहर ले गया. खेतों में खूब पानी भरा था. बच्चा जो था उसने जब फूलों के गुच्छों को देखा तो वो कहने लगा कि मुझे ये फूल चाहिए. वो जिद करने लगा तो रायचरण ने उसको बहलाना चाहा, उसको मतलब रोकना चाहा कि वो ना माने. लेकिन जो वो बच्चा तो वो नहीं माना. वो रायचरण ने उसका विवश होकर रायचरण ने उसका मन रखने के लिए घुटनों तक वो पानी में उतर गया और फूल तोड़ने लगा. कई स्थानों पर उसके जो पांव थे वो कीचड़ में पूरी तरह फंस गए थे. बच्चा तनिक देर गाड़ी में मौन बैठा रहा, फिर उसका ध्यान लहराती हुई नदी की ओर गया. वह चुपके से गाड़ी से उतरा. पास ही एक लकड़ी पड़ी थी, वह उसने उठा ली और भयानक नदी के तट मतलब किनारे पर पहुंचकर उसकी लहरों से खेलने लगा. नदी के शोर से में ऐसा मालूम होता था कि नदी की चंचल और सुंदर जल परियां बच्चे को अपने साथ खेलने के
लिए बुला रही हैं। तो बच्चा जो था थोड़ी देर गाड़ी में चुप करके बैठा रहा, लेकिन फिर उसका जब ध्यान उस लहराती हुई नदी की ओर गया तो वो चुपके से गाड़ी से बाहर आ गया और वहाँ पर एक लकड़ी पड़ी थी, उस लकड़ी को उसने पकड़ा और उसको उठा लिया और वो भयानक नदी के किनारे पर पहुँच गया। वो जो लहरें थी उससे खेलने लगा, तो नदी का जो शोर था उससे ऐसा प्रतीत तो ऐसा मालूम होता था कि जो नदी की चंचल और सुंदर लहरें हैं, जल परी हैं, वो भी बच्चों के साथ खेलने के लिए उसको अपने पास बुला रही हैं। राय चलनपुर लेकर वापस आया तो देखा कि गाड़ी खाली है। उसने इधर उधर देखा, उसके पांव के नीचे से ज़मीन निकल गई। वह पागलों की भांति चारों ओर दौड़ने लगा। वह बार बार बच्चे का नाम लेकर पुकारता, किंतु उत्तर में बालक की मधुर ध्वनि ना आती थी। ध्वनि मतलब आवाज़। तो रायचरण जब फूल लेकर वापस आया तो उसने देखा कि गाड़ी में बच्चा नहीं है, गाड़ी खाली है। वो इधर उधर देखने लगा लेकिन वो बच्चा नहीं मिला। तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो हैरान परेशान हो गया। वो पागलों की तरह उसे इधर उधर ढूंढने लगा, चारों ओर दौड़ने लगा, लेकिन वो बच्चा था वो नहीं मिल रहा था। वो बार बार बच्चे का नाम लेकर उसे पुकारता, लेकिन वो बच्चा जो था उसकी आवाज़ भी वो नहीं सुन पाता था। चारों ओर अंधेरा छा गया। बच्चे की माता को चिंता होने लगी। उसने चारों ओर आदमी दौड़ाए। कुछ व्यक्ति लालटेन लिए हुए नदी के किनारे खोज करते हुए पहुंचे। रायचरण उन्हें देखकर उनके पैरों पर गिर पड़ा। उन्होंने उससे प्रश्न करने आरंभ किए, किंतु वह हर प्रश्न के उत्तर में यही कहता रहा, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो चारों ओर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। बच्चे की जो माता थी उसको चिंता होने लगी थी कि वो कहाँ गया। उसने चारों ओर अपने जितने भी आदमी थे उनको भगाया, दिलाया कि तुम जाओ और देख के आओ कि मेरा बच्चा कहाँ है। तो कुछ जो व्यक्ति थे वो लालटेन लेकर नदी के किनारे उसको ढूंढने के लिए चले गए। तो रायचरण ने उन्हें देखकर उनके पैरों पर वो गिर पड़ा और उन्होंने रायचरण ने उनको कहा कि मुझे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। तो जो उस बच्चे की माँ थी उसने रायचरण से प्रश्न करने शुरू कर दिए, लेकिन जो हर प्रश्न के उत्तर में रायचरण क्या कहता कि मुझको कुछ भी नहीं पता। दिस वन स्टैंड हुई कंप्लीट इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू स्टूडेंट।